तो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट स्पीड रन, बट मुझे मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट इन विलेजेस की चेस्ट में। तो मुझे इस बार कोई नॉर्मल आयरन ऑब्सीडियन और कोई आयरन का आर्मर वगैरह की चीज़ें नहीं मिलने वाली। मुझे मिलने वाले हैं डायमंड, नेदरराइट और गोल्ड के ब्लॉक्स, डायमंड के ब्लॉक्स, ऐसी सारी चीज़ें, और इलाइट्रा तक भी मिल सकती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। और ये जावा का मोड है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को खेलना हो तो डाउनलोड कर सकता है वो नीचे से। तो अभी वर्ल्ड बनाने के 5 मिनट बाद ही मुझे यहाँ पर एक विलेज मिल चुका है, और यहाँ पर उसका घर भी है जो आर्मर होता है, शायद से आर्मर ही होता है जिसका वो कब्रस्टोन का घर है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट मिल जाती है, तो पहले जाकर यहीं पर ही चेक करता हूँ, शायद से कोई डायमंड वगैरह की चीज़ें मिल जाए। ओके, ये विलेजर क्या सेल कर रहा है? स्माइट 2 बटरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है? इतना सारा सामान, इंचेंटेड एप्पल्स। यस करेंगे, पैसा ही पैसा। इतना सारा सामान मुझे यहाँ मिल चुका है, और ये टोटल 7 इंचेंटेड एप्पल्स हैं, और सारा का सारा सामान, और 19 डायमंड है टोटल, और एक बूट भी मुझे मिल चुके हैं। भाई अब विलेजर की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी ये करने के लिए। और उस तरफ भी एक घर है, वहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। मुझे सभी के सभी घर चेक करने, एक भी चेस्ट मुझे छोटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा सामान हो सकता है। इन हेबल्स को कलेक्ट कर लो सारे के सारे को, सारे को नहीं थोड़े से करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए चाहिए बस, सारे कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास एमरल्ड है, मैं ट्रेडिंग कर काफ़ी अच्छे फूड ले सकता हूँ विलेजर से। थोड़ी सी यहाँ से वुड ले ली मैंने, कलेक्ट कर लो, ये कलेक्ट हो गया। थोड़ा 3 चाहिए, 3 ले जाता हूँ, ठीक है हो गया। इनकी बना लो प्लैंक्स, और प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ पहले। ओके, थोड़ी सी स्टिक्स भी चाहिए होंगी, और पहले से क्या बनाऊँ मैं? वैसे अभी बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन टूल्स बना लूँ, बना लेता हूँ पहले। हाँ, सोड वगैरह, लेकिन नहीं रहने देता हूँ, टूल्स अगर अभी बना लिए तो अगर बाद में मुझे इंचेंटेड मिल जाएंगे तो मेरे डायमंड वेस्ट हो जाएंगे, पता नहीं बाद में मुझे कितने डायमंड मिलेंगे। और ये 7 इंचेंटेड एप्पल मुझे मिले हैं, ये इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। पहले तो अपने लिए फूड बना लेता हूँ, मेरी जो हंगर बार है वो कम हो रही है। ओके, फूड बन गया है, पहले से खा लो। अभी तो बस मुझे डायमंड मिले हैं, मुझे नेदरराइट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो फिर मुझे काफ़ी सारी मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी। पता नहीं ज़्यादा इंचेंटेड आर्मर वगैरह यहाँ पर मिलती है कि नहीं। और यहाँ पर फिर से इतने सारे बूट मिल गए, इतने बूट्स का क्या करना है, मुझे एक बूट काफ़ी थे। बट मुझे यहाँ पर ऑब्सीडियन और गोल्ड वगैरह मिल गया है, ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। आइस बकेट हाँ, शायद ऑब्सीडियन के कारण ये अचीवमेंट मिली है आइस बकेट की। ओके, तो किस घर की तरफ जाऊँ? अभी वैसे रात नहीं हो रही तो ज़्यादा घर एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक इलाइट्रा भी है यहाँ पर। पहले डायमंड कलेक्ट करो। थॉर्न्स के बूट्स मिले हैं, इनका कुछ फ़ायदा नहीं। प्रोटेक्शन 4 का हेलमेट, पहले तो इसे पहनो, काफ़ी सारी प्रोटेक्शन। चेस्ट प्लेट मिल जाती है, और अच्छा था। यहाँ पर कर्स ऑफ बाइंडिंग है, मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, फिर मैं चेस्ट प्लेट नहीं डाल पाऊँगा। चेस्ट प्लेट नहीं डाली तो प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मुझे कुछ खास। तो पहले नीचे के घर चेक करता हूँ, फिर ऊपर जाऊँगा। यहाँ पर भी एक चेस्ट है, लेकिन उनको आप खोलता हूँ, और ठीक है, कुछ ज़्यादा खास लूट नहीं मिली। नेदरराइट चाहिए पहले, तो ये जो भी मिला कलेक्ट कर लो। और एरोज मिल रहे हैं, एरोज अच्छा है, तो मुझे पिगलिन से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी पड़ेगी, या फिर विलेजर से ट्रेड करने के लिए टाइम लगेगा, वरना विलेजर ढूंढो उनसे ट्रेड करो एरो के लिए। यहाँ से बैट ले लेता हूँ, ड्रैगन को मारने के काम आएंगे। यहाँ से भी ले लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अपना आर्मर बना लेता हूँ, चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी बाद में, इन्हें इंचेंट भी करना है। मुझे इन चेस्ट वगैरह से कुछ नहीं मिला इंचेंटेड चीज़ें, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी। और लेगिंग्स बना लो, बाकी का सारा सामान तो मुझे मिल गया था। इंचेंटेड मिल जाते पहले से तो ज़्यादा अच्छा था, मुझे बाद में इंचेंट नहीं करने पड़ते। वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन तब भी इतना सारा सामान मिल रहा है, तो इंचेंट कर ही मैं ड्रैगन को मारूँगा। जो अभी काम करता हूँ, पिकेक्स और एक्स वगैरह बना लेता हूँ। एक स्वॉर्ड भी चाहिए मुझे, और ये कौन सी रेसिपी है, इसे ऊपर रखो पहले। हाँ, ये बन गई।
और होनी बनानी मुझे एक बनानी है, एक्स बना ली और एक सोड बना लेता हूँ स्पंजा। हाँ ठीक है, सोड भी बन गई। और पहले तो अपनी इन्वेंट्री अरेंज कर लो वरना सामान को ढूंढने में दिक्कत आती है। इतने सारे मैंने बूट्स रखे हैं, बाद में फेंक दूंगा। अगर वैसे मुझे कोई इंचैनमेंट अच्छी मिल गई तो काम आ जाएंगे बूट्स भी, कंबाइन कर कर ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ओके सेलेक्ट करो, दूसरा विलेज को मैं ढूंढने जाता हूँ। पहले गोलम को मार लेता हूँ, मुझे एक एनविल भी बनाना है, पता नहीं बाद में आयरन मिले ना मिले, इसलिए अभी गोलम को मार लेता हूँ। आयरन दे देगा मुझे, वैसे मुझे से शायद से 5 आयरन चाहिए एक एनविल बनाने के लिए। 3 ब्लॉक मेरे पास पहले से हैं, इसे मारो। इस तरफ आ गया, इसे मारने में टाइम लगेगा, जल्दी मर जा। ओके तो मर गया ये। अभी अपने ही बस कलेक्ट करो और आयरन ले लेता हूँ। नहीं, 5 नहीं चाहिए थे मुझे, 4 चाहिए थे एनविल बनाने के लिए। हाँ यहाँ से खोलो जल्दी, बन जाएगा। ठीक है, हाँ 4 चाहिए थे, एक बच गया, कोई बात नहीं। और इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी इंचैनमेंट की तरफ इंचैनमेंट के लिए, तब मैं इसे यूज़ करूँगा। 2,000 years later. तो काफ़ी ज़्यादा दूर आने के बाद मुझे एक और विलेज मिल चुका है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था इसके लिए। इसके अंदर कुछ नहीं है, गरीब लोगों की चेस्ट, गरीब लोगों का घर। और यहाँ पर मुझे ऑब्सीडियन मिल चुका है, ये वाला ही चेस्ट अच्छी थी। और डायमंड कलेक्ट हो जा, कलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, मैनुअली कलेक्ट कर लेता हूँ। और हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, हेलमेट नहीं चाहिए, ब्लॉक ऑफ एमरल्ड गोल्ड रख लिए। जल्दी चलो बाकी के घर की तरफ। और ये क्या क्लिच है? ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे घर में कुछ नहीं मिलता। और ये वाले घर में भी कुछ नहीं होता, बस एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं है इसमें कुछ ही। और इस वाले घर में भी नहीं है। हाँ ये घर किसका, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें शायद से कुछ मिल सकता है मुझे। कौन रहता है इस घर में? क्लैरिक, क्लैरिक के घर में तो कुछ नहीं मिलता, इसके घर में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले घर में 2 चेस्ट मिलती हैं, एक नीचे होती है, एक ऊपर होती है। एक हो गया फिर ऊपर, हाँ एक ही है ऊपर, नीचे नहीं है कोई भी चेस्ट। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे इंचेंटेड एप्पल मिल चुके हैं, इतने सारे इंचेंटेड एप्पल। ओके मैं पूरे नैदर में ये खा सकता हूँ, इतने सारे इंचेंटेड एप्पल है। A few inches later. पास में ही मुझे एक और विलेज मिल चुका है, तो इसे भी मैं लूट कर ही जाऊँगा। इस वाले घर में कुछ नहीं है, पहले खाना खा लो यहाँ पर और सो भी जाता हूँ। अभी नाइट नहीं हुई तो एक काम करता हूँ, दूसरे किसी घर में चलता हूँ, तब तक कोई चेस्ट ही खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक ऐसा घर है, अंदर कोई भी नहीं रहता, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ यहाँ पर। ओके जल्दी उठो और आगे चलो यहाँ से। ये कैसा करता है, पूरा का पूरा पेड़ से ब्लॉक हुआ पड़ा है, अंदर कोई कैसे जाता है? कि यहाँ पर दो दो कलारी के घर है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और इस वाले छोटे वाले घर में भी कुछ नहीं मिलता। वैसे चेक कर लेता हूँ, नहीं कुछ नहीं है। और सारे के सारे घर में चेक करना है, इसमें चेक करो पहले, इसमें भी कुछ नहीं है, इस वाले घर में देख लेता हूँ, इनमें कुछ नहीं मिलता वैसे ज़्यादा, लेकिन तब भी चेक करना पड़ता है, क्या पता एक का भी चेस्ट हो। यहाँ पर एक चेस्ट है, और इसमें क्या है, और नेदराइट इंगट और एक लाइट्रा मिल चुकी है मुझे यहाँ से, और काफ़ी सारा आयरन है जो कि मुझे नहीं चाहिए पर तब भी रख लेता हूँ। कर्ज ऑफ वैनिशिंग है इसमें, तो कर्ज ऑफ वैनिशिंग वाली रख लेता हूँ, बाइंडिंग वाली रख दो क्योंकि बाइंडिंग की कोई ज़रूरत है नहीं। और इसके अंदर भी इंजेंटेड एप्पल मिले हैं मुझे, और थोड़े से आरोज मिल गए हैं, इसे भी रखो। और जल्दी से कोई और घर मिल जाए जिसमें काफ़ी सारा और अच्छा सामान हो, इंजेंटेड बो वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और नैदराइट इनगट मिल गया और ऑब्सीडियन मिल गए काफ़ी सारे, तो पोर्टल वगैरह बन जाएंगे मेरे। पोर्टल के साथ साथ मैं इंचैनमेंट भी कर सकता हूँ, इंचैनमेंट टेबल बनाकर। तो मैं यहाँ पर अपना नैदर पोर्टल सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर एक और 1, 2, 3 हो गया, यहाँ पर आयरन का ब्लॉक लगा दो। आयरन इतने सारे मिल गए हैं कि कहीं पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और 1, 2, 3 ठीक है हो गया। और इसे लाइट अप करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, बाद में इसे लाइट अप कर लूँगा जब अंदर जाऊँगा इसके मैं। अभी मुझे बनानी है स्मिथिंग टेबल, जिससे कि मैं अपने सारे के सारे आर्मर में
कर पाऊंगा इसे नेदरराइट को अप्लाई, सारे में नहीं कर पाऊंगा मैं, तीन ही है ये। चेस्ट प्लेट में करो जो कि मेन चीज़ है, हो गया। अब लेगिंग्स में, लेगिंग्स में कर लो एक, और लास्ट बची इसे कहाँ पर करूँ। एक काम करता हूँ, मेरे हेलमेट पे प्रोटेक्शन 4 है लेकिन बूट में कुछ नहीं है, तो मैं बूट में अप्लाई करूँ। हाँ बूट में कर दी। और ये क्या है, अभी मुझे थोड़े से शुगर केन चाहिए। पहले मैं थोड़ी सी बुक्स बना लेता हूँ जिससे कि इंचैंटमेंट टेबल बना सकता मैं बुक से। और बुक्स की रेसिपी यहाँ पर नहीं दी गई, तो मुझे वैसे आती है रेसिपीज की, तो ऐसे करना है। और यहाँ पर लैदर रखनी है, हो गई। तो ज़्यादा बुक्स नहीं बन पाई। और इंचैंटमेंट टेबल की भी रेसिपी आती है मुझे यहाँ पर, पता नहीं दी होगी कि नहीं दी होगी बाई डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ठीक हो गया, यहाँ पर रखो। मेरे पास ज़्यादा लेवल की चीज़ें तो आने नहीं वाली। ओके, तो अभी मुझे एक फ्लिंट मिल चुका है जिससे कि मैं फ्लिंट एंड स्टील बना सकता हूँ। तो ये बनाओ फ्लिंट एंड स्टील, और ये करो अपना पोर्टल लाइट अप। और अभी पहले जाने से पहले गोल्ड के बूट्स पहन लो जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और थोड़ा सा फूड खा लूँ यहाँ पर। और मुझे नहीं, पहले मुझे थोड़ी से गोल्ड की ज़रूरत है। गोल्ड को अपने पहले इन्वेंट्री में स्टैक करके रख लेता हूँ, गोल्ड के इनगट। बिगलिंग जैसे मिलेंगे वैसे मैं उनसे ट्रेड कर लूँगा। और ये थोड़ी सी वुड मैंने कलेक्ट कर ली है जो कि बाद नाले के अंदर काम आएगी। ठीक है, एन्चेंटेड एप्पल खाओ और फायर रेजिस्टेंस मिल जाएगी जैसा मर्जी स्पॉन मिले मुझे। और ये आ गया मैं नेदर में। और ये कितना लैग हो रहा है, इतना ज़्यादा लैग है। अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है और थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है, तो लैग कम होगा और साफ साफ दिखेगा अभी मुझे। अब वीडियो में भी शायद से ज़्यादा अंधेरा ना आ रहा हो। ये कोई पिगलिन है यहाँ पर जिसे मैं ट्रेडिंग कर सकूँ? शायद से कोई भी पिगलिन यहाँ पर मुझे नहीं मिलने वाला। फोर्ट्रेस ढूंढता हूँ पहले, और इस तरफ जाता हूँ शायद से फोर्ट्रेस मिल जाएगी थोड़ी सी आगे जाकर, आगे जाकर। ओके, यहाँ पर एंडरमैन से मैं भिड़ सकता हूँ, मेरे पास एन्चेंटेड एप्पल है। ओके, वो भाग गया इसकी तरफ। चलो ठीक है, ये आ रहा है, उसके नीचे नहीं छुप नहीं सकता, मुझे मारना पड़ेगा इसे डायरेक्टली। ठीक है, मारो जल्दी से, मचा मचा मचा। मर क्यों नहीं रहा, मर गया। लेकिन ऐसे मारने करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे फोर्ट्रेस भी ढूंढनी है। काम करता हूँ पहले फोर्ट्रेस ढूंढ लेता हूँ, बाद में यहाँ पर रख कर इन्हें मारूंगा या फिर पिगलिन से ट्रेड करूँगा, जो भी करना होगा। 2000 years later. तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर चलने के बाद मुझे मिल चुकी है एक फोर्ट्रेस। ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, पास में मिल गई। और एंटरपल से जाता हूँ मैं दूसरी तरफ, थोड़े से एंटरमैन भी मैंने मार दिए थे, मुझे एंटरपल भी मिल गई है ज़्यादा। और ये लावा के बीच में स्पॉन हुआ हूँ के ऊपर आ गया मैं, और इस तरफ से ऊपर चलता हूँ। ये फायरबॉल फेंक रही है, मेरे पास रेजिस्टेंस है। और शायद से रिकॉर्डिंग में जो फायर रेजिस्टेंस ना दिख रही हो क्योंकि मैंने स्क्रीन थोड़ी सी कट करके रखी हुई है साइड की, मैंने फुल स्क्रीन किया है इसलिए पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। 16:9 पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वुड वेस्ट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, बस वुड नहीं वेस्ट करनी चाहिए थी, इतनी बाद में काम आ सकती है। और इस तरफ नहीं जाना, आगे से चलता हूँ इस तरफ राइट साइड, वहाँ पर शायद से स्पॉनर है। स्पॉनर से काफ़ी सारे मुझे प्लेस रोड्स आई हैं। ठीक है, हाँ स्पॉनर है यहाँ पर। पहले तो ये साइड बंद करो वरना ये इस तरफ भाग जाएंगे और उड़ भी जाएंगे। हाँ ये उड़ गए।
मेरे पास काफ़ी सारी हो गई हैं, थोड़ी सी और मार लेता हूँ फिर मेरे पास सफिशेंट ब्लेज रोड हो जाएंगे। मजा मजा मार दिया। और कितने सारी हो चुके हैं, अभी काम करता हूँ वापस, चलो जल्दी से, मोर देन इनफ है मेरे पास। ओके तो मेरा वापस जाने का रास्ता इस तरफ है क्रिम्स बायोम से। अभी मुझे पिगली मिल चुका है, इससे जल्दी से ट्रेडिंग करता हूँ, जल्दी से बस एंटर पर दे दे तो हो जाएगा सारा का सारा काम नैदर में। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे एंड्रॉइड मैन मारे थे लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास एंड्रॉइड नहीं मिली है। और यहाँ पर मैंने एक और पिगलिन के साथ बैटरिंग कर रहा था, इसने कुछ नहीं दिया, और यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ वापस इन्होंने कुछ दिया कि नहीं। ओके तो यहाँ पर थोड़े से एंड्रॉइड दिख तो रहे हैं वैसे, तो दिखता कितने, और मोर देन 16 है, ठीक है इतने है। चेक करता हूँ कौन सा सामान फेंको, ये नहीं फेंकने, आयरन के ब्लॉक बाद में काम आ सकते हैं, ये फेंको ये फेंको ये फेंको। और हाँ ठीक है भाई काफ़ी सारी हो गई है ये मारो मजा, ठीक है अब मुझे वापस ओवरवर्ल्ड में जाना है तो अपने लिए एक और पोर्टल बना लेता हूँ मैं, ज़्यादा पोर्टल यहीं पर से ही यहाँ पर बनाओ, और ज़्यादा ऑब्सीडियन वेस्ट नहीं करने। अभी मेरे इन्वेंटरी में जो फालतू का सामान है उसे पहले मैं फेंक देता हूँ, और ये एरोस रख लो, बाकी का जो ये सामान इसे फेंको। बाकी सारी चीज़ें तो शायद से मुझे चाहिए होंगी, ये फेंक दो ठीक है। और यहाँ पर कुछ खास सामान नहीं है। ओके ये फायर चार्ज लो और इसे लाइटअप करता हूँ, हो गया लाइटअप। कुछ अच्छा सा स्पॉन मिल जाए, लैग हो रही काफ़ी ज़्यादा गेम मेरी, और ये केव के अंदर स्पॉन हुआ हूँ मैं, एक मिनट लैग हो रही है ठीक करने के लिए। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ समुद्र, इस समुद्र के अंदर हूँ मैं, आसपास कोई आइलैंड है, इतना दूर है वो आइलैंड। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, फिर सो जाता हूँ जल्दी से, काफ़ी सारे मॉब्स हैं आसपास, ठीक है हो गया। बेड उठाओ अपना, और फिर अंडर पर एंडर पर से आइए फेंडर बना लेता हूँ, टोटल 12 बनानी है। और क्या कर रहा हूँ मैं 12, और फिर बस वो पहले रोड को तो पाउडर में कन्वर्ट कर लूँ फिर होगा, ठीक है 12 की पूरी 12 बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनानी क्योंकि मुझे एंडर पर की बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये फालतू की पोशन आई से फेंको, पहले फालतू में जगह खेल रही है, किस तरफ जाना है ठीक है इसी तरफ जाना है, और आगे डेजर्ट टेम्पल भी है इसे भी देख लूँगा। और ये टूट गई मेरी एंडर आइए फेंडर। तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ खास तो मिला नहीं है, फालतू का सामान था बस, मैंने वो कलेक्ट कर लिए हैं गन पाउडर जो कि रॉकेट बनाने में काम आएंगे। पहले तो यहाँ पर मैं बोन मिल से इन्हें बड़ा कर लूँ, नहीं होते क्या ये जावा में बड़े नहीं होते क्या बोन मिल से, पता नहीं मुझे इसके बारे में, ठीक है यानी कि बेकार है ठीक है, जितने आए उतने से ले लेता हूँ मैं, ठीक है इतने से हो जाएगा काम। अरे शुगर नहीं बनानी मुझे, पेपर बनानी है, पेपर बना लिए, और पेपर से रॉकेट, रॉकेट की रेसिपी नहीं दी हुई यहाँ पर, कोई बात नहीं मुझे आती है रेसिपी ऐसे कर कर। और यहाँ पर रखने गन पाउडर, और गन पाउडर से बन गए रॉकेट, 27 रॉकेट बन गए हैं, हो जाएगा इतने से। अभी मुझे काफ़ी सारा सामान नहीं चाहिए लेकिन इन्हें बाद में जाकर फेंकूँगा मैं। अब मेरे पास काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स है तो एक काम करता हूँ पहले मैं बो बना लेता हूँ, अभी क्राफ्टिंग टेबल फेंक लेनी प्लेस करनी है तो यहाँ पर जल्दी से बो बनाओ, कहाँ गई मेरी बूट्स, ये रिप्लैंक्स इससे बनाओ थोड़ी सी स्टिक्स। ओके तो ये रिबो की रेसिपी, बो बनाओ और क्या फेंकूँ, ये फेंको ठीक है। और काफ़ी सारा सामान मुझे फेंकना है, अभी मेरी इन्वेंट्री पूरी की पूरी भर रखी है तो अभी स्ट्रिंग्स रख लेता हूँ, बाद में शायद से काम आ सकती हैं क्रॉसबो वगैरह बनाने के लिए अगर बनानी पड़ी तो। ओके ब्लेज पाउडर रख लेता हूँ अगर एंडर पर आई फेंडर फूट गई तो क्राफ्टिंग टेबल लो, और लगभग 2-3 हज़ार ब्लॉक्स दूर चलने के बाद मुझे अब फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, तो एक इंचेंटेड एप्पल खाओ और सीधे डिग करता हूँ मैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा मुझे चलना पड़ा था।
ऊपर से पहले बंद कर देता हूँ, टीएनटी से कर देता हूँ बंद। कोई भी फ्लिंट एंड स्टील तो कोई कर नहीं सकता मॉब। ओके इस तरफ आओ। और मुझे आई ऑफ एंड्री मिल गई अपनी, नीचे चलो। और ठीक है आ गया मैं फाइनली। इतनी देर बाद मुझे ये मिला है, क्योंकि अभी इसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड को। और भाई गेट बटन से क्यों जाना, मेरे पास इतनी अच्छी इंचांटी डायमंड पिक एक्सेस है स्पीड रन में, तो इससे जाता हूँ। और यार ये इतने सारे क्रीपर आ गए हैं, कोई बात नहीं फोड़ दो इन्हें, कुछ खास डैमेज नहीं होने वाला। और ये सिल्वर फिश भाई फूट जा तू भी, ठीक है हो गया। और कोई स्पॉन नहीं हुआ, ठीक है। और स्केलेटन की आवाज़ आ रही है कहीं से, जल्दी से मुझे स्ट्रॉन्ग होल ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग होल में वो पोर्टल। A few inches later. Okay, यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिली है और यहाँ पोर्टल मिल गया मुझे फाइनली, कितने बार चलने के बाद। ठीक है मर जा। ओके तो यहाँ पर मैं जल्दी से आईओ फेंडर लगा देता हूँ। दो आईओ फेंडर पहले से लगी हुई हैं, क्या लग क्या एक की एक एंड आईओ फेंडर छोड़ के बाकी सारे के सारे लगा दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान अभी फेंकना भी है। ये दो को फेंको, दो नहीं चाहिए बस एक ही चाहिए मुझे अभी। तो अभी मैं यहाँ पर लास्ट आई फंड लगा देता हूँ और ये लगा दी, पोर्टल होगा एक्टिवेट। और ये फालतू का सामान फेंको और जल्दी से चलो इसके अंदर। अरे जाने से पहले मैं लाइट्रा वेयर कर लेता हूँ जो कि मुझे विलेज से मिली थी। रॉकेट्स भी मेरे पास बने पड़े हैं तो अच्छा रहेगा, मैं वो क्रिस्टल काफ़ी आसानी से तोड़ पाऊँगा। तो इसे यहाँ पर रखो और इसे पहन लो पहले, हाँ ठीक है। और इन्वेंट्री की मुझे थोड़ी सी अरेंज कर कर जाना है, बाद में दिक्कत ना आए ड्रैगन को मारते समय। इसे यहाँ पर रखो, रॉकेट को यहाँ पर, और इसे अंदर रखता हूँ यहाँ पर अंडरबल्ट कैप। चलो आ गया मैं। और ये कैसा स्पॉन है, ठीक है उस तरफ है। और इतना ज़्यादा लैग हो रहा है अभी, कोई बात नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है लैग ठीक हो गया। और मैंने कभी जावा में लाइट्रा नहीं उड़ाई तो कहीं गिर ना जाऊँ मैं। ठीक है उठता हूँ, ठीक है इजी है ऐसे जावा में उड़ाना। सारे यानी कि स्टोर मैंने तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर ड्रैगन ने पर्च कर दिया है, जल्दी से बैड लगाओ। ठीक है एक ही बैड है, ठीक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है इसे, अब बाकी कैसे स्पोर्ट से मारता हूँ। मर जा, ठीक है काफ़ी सारी हेल्थ इसकी जा रही है, एक पर्च में आधी हेल्थ होने वाली थी इसकी। ओके सेकेंड पर्च किया इसने, सेकेंड पर्च में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लेनी है, बैड होते तो ज़्यादा अच्छा रहता मारो इसे। और ये कितना लैग हो रहा है, ठीक है मारो मारो। ठीक है इसकी हेल्थ तो ख़त्म बस होने वाली है, मारो इसे। और एंडरमैन को भी अभी आना था, कहाँ है, ठीक है मारो मारो। दो एंडरमैन है शायद से, मर जा। ठीक है ये रहा है, इसे भी मारो, मर जा मर गया। ठीक है इसे जल्दी से मारो अब ड्रैगन को, ठीक है बस एक दो हिट मारनी है अब तो। मैं इसे अपने ब्रैड से भी मार सकता हूँ, मर जा। आपने लापरवाही का नतीजा है। 2000 years later. पता नहीं मैं कैसे मर गया था, मैंने पास ही के एक विलेज में अपना रिस्पॉन्स सेट किया था, जिसके कारण मैं जल्दी से यहाँ पर आ पाया हूँ। ठीक है जल्दी से अपना आर्मर वेयर कर लेता हूँ। और ये एंडरमैन मेरे पीछे तो नहीं है ना, जल्दी से आर्मर वेयर करो। नहीं ड्रैगन के ड्रैगन को मार रहे हैं वो, जल्दी से ड्रैगन को मारो। और मर गया ड्रैगन फाइनली, इतना टाइम लगा था इसे मारने के लिए। तो फाइनली मैंने ड्रैगन को भी मार दिया है, पूरा का पूरा स्पीड रन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेमिंग एपिसोड में।